कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। मैं तो मिठाई भी साथ ले आया था। मुझे तो यकीन था कि मायरा को जॉब मिल गई होगी। बेटा अभी तो उसका पहला इंटरव्यू था और तुम्हें तो पता ही है इतनी जल्दी नौकरियां कहाँ मिलती हैं। लड़कियों को मिल जाती है मानी जी। जी बेटा। मेरा मतलब है मायरा तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसे तो फॉरन नौकरी मिल जानी चाहिए थी। हाँ समझो, मिली गई थी उसे, वो HR की जॉब करना चाहती, उसे मिल रही थी पर्सनल सेक्रेटरी की, इसलिए उसने मना कर दिया। सही सही। नानी जल्दी सो गई। शुक्रिया। हाँ वो दवाई खाई थी इसलिए। मैं मायरा को बुला कर लाती हूँ। कि क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? वापस क्यों आई हो? मुझे नहीं जाना उसके साथ। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, 10 बार तुम्हारा पूछ चुका है, और अगर तुम्हें पता है ना तुम नीचे नहीं आए तो दादी क्या करेंगी तुम्हारे साथ? कुछ भी करती रहे, मुझे नहीं है परवाह। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? शक्ल से उसकी नफरत है, उसकी बातों से, उसकी हरकतों से। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो। और तुमने उसके साथ शादी में जाना है ना, अपना हुलिया दुरुस्त करो, मेकअप लगाओ, मुंह पर और नीचे आओ। बेटा तुम आ ही रहे थे तो समन को भी अपने साथ ले आते, बहुत दिन हुए उसे यहाँ आए हुए। मानी मुझे दोस्त की शादी पर जाना है मायरा के साथ, अम्मी को कैसे लाता? बस मायरा आ जाए तो हम जल्दी से जाएं। क्या हुआ मिशाल, कितनी देर है मायरा को? बल्कि मैं खुद ही जाकर उसे कहता हूँ जल्दी तैयार हो जाए। शक्ल बनाई भी है, तैयार क्यों नहीं हुई? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब भी तुम्हें कोई काम कहता हूँ या कहीं साथ जाने का कहता हूँ तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। सुबह बताया था ना शादी पर जाना है, और एक बात बताओ, सुबह इंटरव्यू पर जाते हुए तबीयत खराब नहीं हुई तुम्हारी? तब तो इजाजत ले ली मेरी बड़ी होशियारी से, बस मेरी बात नहीं मानी तुमने। 2 मिनट दे रहा हूँ, तैयार हो चलो मेरे साथ। मैं तैयार होती हूँ, तुम बाहर जाओ। बाहर क्यों जाऊं? शौहर हो तुम्हारा, मेरे सामने भी तैयार हो सकते हो।
खुदा के वास्ते तुम तैयार हो? पहले क्यों देर कर दिया? देखता हूँ किसका फोन है। क्या कचरा भरा है। हेलो जिसने मेरी आवाज सुनकर फोन बंद कर दिया। क्या? कौन था ये जिसने मेरी आवाज सुनकर फोन बंद कर दिया? You're hurting me. कितनी बार कहे मेरे सामने अंग्रेजी मत छड़ा करो। कौन था ये जिसने मेरी आवाज सुनकर फोन बंद कर दिया? मुझे नहीं पता, फोन तुम्हारे हाथ में, खुद चेक करो। तो लैंडलाइन से कॉल किया? लैंडलाइन से कौन करता? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। जब किसी की कॉल आती है तो साथ में कॉल हिस्ट्री भी होती है। मुझ पे इतना घटिया शक करना है तो उससे बेहतर है कॉल हिस्ट्री चेक कर लो। और क्या बोलने वाली थी? कोई जलालत वाली बात थी ना? नखरे नाराजगियां पसंद नहीं मुझे। शोहर हूं तुम्हारा, तुम्हारा फोन चेक करना किसका फोन था किसका नहीं था मुझे पूरा हक है। और तुम पाबंद हो मेरी भी, मेरे सवाल और मेरी मर्जी भी समझे? कब से समझा रहा हूँ तुम, किस तैयार क्यों नहीं हो रही हो? बहुत देर हो गई, मैं वक्त तुम्हें दादी बुला रही है। मैं जा रहा हूँ, प्लीज आप समझाए ना, ऐसे जल्दी तैयार हो जाए, इतनी देर हो गई है, प्लीज जल्दी आ जाओ। इस जानवर के साथ ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? पहली मर्तबा तो उसने तुम्हें कहीं साथ ले जाने की बात की है, और तुम जानती हो ना अगर तुम ना गई तो वो कितना नाराज होगा। नानी आप आराम करें, अपना ख्याल रखें, बस खुदा हाफिज। बेटा तुम जा तो रहे हो मायरा को अपने साथ लेकर, अगर समन और रमशा भी शादी पर तुम्हारे साथ जाती तो अच्छा था। क्यों? वो मायरा कभी अकेली नहीं गई ना तुम्हारे साथ, ऐसा ना हो कि वो बोर हो जाए। उसे बोर होना तो नहीं चाहिए मेरे साथ, सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी है, और आपको उसकी परवाह, मेरी नहीं, मैं भी तो बोर हो सकता हूँ उसके साथ। ये लीजिए, आ गई मायरा। बस बेटा जल्दी आ जाना, आप फिक्र न करें, 12:30 तक आ जाएंगे। चले, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वो क्या अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर गया है मायरा को? नहीं नहीं दादी, सलमान और सलान की गाड़ी लेकर आया था, उसी में गए दोनों। अच्छा अच्छा। हाँ मां, वैसे मुझे बहुत परेशानी हो रही है, जब तक सलमान मायरा को लेकर वापस नहीं आ जाता मुझे तो चैन नहीं आएगा। अरे खामखा परेशान हो रहे हो तुम, अपने शोहर के साथ गई है, किसी गैर के साथ तो नहीं गई ना? मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आऊं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाय पीनी, एक गिलास पानी ला दो मुझे। अम्मा रुखसती से पहले इतनी रात गए तक मायरा और सलमान का अकेले बाहर रहना आपको मुनासिब लग रहा है क्या? क्या हो गया है तुम्हें नुदरत? कैसे कैसे वहमे पाल रखे हैं तुमने मेरे नवासे के बारे में? और ये तुम ही हो जो मायरा के दिमाग में सलमान के खिलाफ बातें ठूसती रहती है। अरे तभी तो वो सीधे मुंह बात नहीं करती अपने शोहर के साथ। नहीं अम्मा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं सब जानती हूँ तुम्हारा मतलब, लेकिन एक बात तुम ध्यान से समझ लो, बहुत शर्म हया वाला, जिम्मेदारी वाला है मेरा नवासा सलमान।
और तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। छोटी सी उम्र में तुम्हारी दोनों बेटियों की शादियां करवा दी, उनको उनके घर का कर दिया मैंने। अरे वरना बैठी होती दोनों यतीम बच्चियां तुम्हारे सर पर, परेशान हो रही होती तुम उनके रिश्तों के लिए, फिर आती तुम्हें समझ। राशिद, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने ऐसे कौन सी अनहोनी बात कर दी? नहीं राशिद, अनहोनी बात तो नहीं की, लेकिन लेकिन अभी अभी ये दोनों बहुत छोटी हैं, अभी वक्त आने पर फिर मैं नहीं, मैं इन दोनों के वक्त के आने का इंतजार नहीं कर सकता। नुदरत, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैं अपनी बेटियों को वक्त के जालिम हाथों पे छोड़ के नहीं मरना चाहता। मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं राशि? आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं मर रहा हूं। बकर मुझे मौत से ज्यादा अपनी बच्चियों के रुल जाने का खौफ है। मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया। बस मैं एक ही घर में अपनी दोनों बेटियों को कैसे ब्याह सकती हूँ अम्मा? अल्लाह ना करे किसी एक के साथ बुरा होगा तो उसका असर दूसरी बेटी की जिंदगी पर पड़ेगा। और अब ये सारी बातें तो बात की हैं, अभी मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि मिशाल और मायरा बहुत छोटी हैं अम्मा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने मरते हुए शौहर पर रहम करो, उन दोनों का बाप है, वो मर रहा है, वो खुश है। एक मरते हुए इंसान से उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियां मची। मेरे बेटे को सुकून से मरने दो। चलो बस, मेरी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है और दवा भी खाई है मैंने। जाओ तुम लोग जाओ, मैं सोऊंगी अब। चलो रुको। आगे आगे चलने वाली औरतें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। एक कदम पीछे रहकर चलो। आओ। सॉरी यार, आने में थोड़ी देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? सलमान, आपने तो बताया ही नहीं कि ये आपकी होने वाली मिसेज हैं। वैसे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, होने वाली मिसेज नहीं बल्कि हो चुकी मिसेज हैं। हम दोस्तों में सलमान ही तो है जिसने सबसे पहले शादी की थी। मुसलमान ऐसे ही है, बस
बहुत छोटी उम्र में हमारा निकाह हो गया था। वैसे बहुत प्यारी माशाल्लाह। थैंक यू जी। यानी सलमान साहब अपनी उस वाइफ को लेके आए गए जिसके किस्से हम हमेशा सुना करते थे। हाय भाभी, यू आर सो ब्यूटीफुल। जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं आप। कहां इस लंगूर के साथ आपने अपनी जिंदगी खराब कर दी। इसकी आदत है हमेशा से ऐसे बकवास करता रहता है, इसकी बातों को सीरियस मत लेना। हां हां बिल्कुल, मेरी बात को सीरियस मत लीजिएगा क्योंकि मैं मजाक मजाक में काफी कड़वे सच बोल देता हूं। हां साके बुला रहे तुझे। अरे अरे बात तो सुन, वो देख इशारा कर रहा है, जा तो सही। ऐसे बकता रहता है बस। एनीवे एक्सक्यूज मी। सुजैमा को देखा, नाल बांध के कितनी ग्रेसफुल लग रही है। मैं बाल भी खोले छोड़े हूँ, चार जाके बांध के आऊँ। खड़े खड़े क्या देखी हो, जाओ नाल बांध कर आऊँ। जाओ लगे मेरे दोस्त अच्छे हैं। क्योंकि मैं अच्छा हूं इसलिए मेरे दोस्त अच्छे हैं। वैसे मैं दोस्ती सिर्फ अच्छे लोगों से ही करता हूं। तो मेरी हर बात का जवाब सिर्फ मैं क्यों दे रही हूं। ऐसी बात नहीं है सलमान। ओके चलो, मैंने तो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवा दिया, तुमको मिलवा रही अपने दोस्तों से। मेरी इतनी फ्रेंड्स नहीं है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं दोस्ती नहीं की तुम? की थी लेकिन अब उनसे मुलाकात नहीं होती। मुलाकात नहीं होती या मुझे मिलवाना नहीं चाहती? सलमान बहुत देर हो रही है, मैं भी परेशान हो रही हूँ। दो बार कॉल। मेरी एक बात सुन लो और अच्छी तरह समझ लो, जब मेरे साथ होती हो ना तो मेरे साथ ही रहा करो, ये दादी अम्मी मिशाल का जिक्र मत किया करो। और एक बात बताओ, हर वक्त इतने एटीट्यूड में क्यों रहती हो तुम?
में तो खुश होना चाहिए कि इतना डैशिंग और हैंडसम लड़का बचपन से तुम्हारे साथ नथी हो गया। वैसे अकेले में बैठ के अपनी किस्मत पे रश तो करती होगी, है ना? नौकरी ढूंढ लिया तुमने? अरे नौकरी का क्या है, नौकरी हासिल करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कोई मामूली नौकरी नहीं कर सकता, एक ही दफा सीईओ या एमडी बनूंगा देखना। आइसक्रीम खाओगी? यार बोर्ड बेसिन में बहुत अच्छी दुकान है, लश फ्लेवर है उनके पास। मैं सिर्फ घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई है, प्लीज गाड़ी तेज चलाओ। मोहब्बत और इज्जत दोनों तुम्हें रास नहीं है, अर्जी है तुम्हारी। मायरा, इतनी देर कर दी तुमने आने में, कितनी परेशान हो रही थी मैं। क्यों भेजा था मुझे उसके साथ? मायरा, तुम उससे कोई झगड़ा तो नहीं करके आई? जितना उसने मुझे टॉर्चर किया है ना अम्मी, उसके बाद मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं बाकी, मैं जा रही हूँ सोने के। मुझे सच सच बताओ, तुमने उससे कोई झगड़ा तो नहीं किया? अगर तुमने झगड़ा किया तो तुम्हारी मैंने कोई झगड़ा नहीं किया उसके साथ, कोई झगड़ा नहीं किया। उसकी फजूल किस्म की सारी बातें बर्दाश्त की मैंने, लेकिन झगड़ा नहीं किया अम्मी। अब जाऊं मैं सोने। मुझे पता है तुम क्यों जाग रही हो, क्योंकि दादी सो रही है ना, और उनको रिपोर्ट देनी होगी, तो उनको सब कुछ बता देना, और ये भी कहना कि सुबह कुरेद कुरेद की मुझसे सवाल ना पूछें, क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगी। गुड नाइट। जाओ तुम सोने। जरूरत है जॉब की, लेकिन मैं किसी की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बन सकती। यू हैव अ गुड डे। थैंक यू। हाँ वासे,
यार एक फेवर चाहिए तेरे से, लेकिन मना नहीं करेगा। हाँ ओके, इधर आना यार, कम इन माय ऑफिस। हाँ हाँ राइट नाउ कम। ओके Hello. Hi, is this Myra Rashid? जी बात कर रही हूँ, आप कौन? जी, this is Vasif from A Group of Companies. आप दो दिन पहले यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, right? हाँ, लेकिन मैंने बताया था कि मैं पर्सनल असिस्टेंट की जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। I understand. लेकिन हमारे बॉस आतिर ने आपकी CV देखी है, उन्होंने वो CV HR डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड की है, तो now there is a vacancy in the HR department. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कल आ जाएं इंटरव्यू के लिए। लेकिन जिन साहब से मेरी उस दिन मुलाकात हुई थी वो तो कह रहे थे कि एचआर डिपार्टमेंट में कोई पोजीशन खाली नहीं है। नहीं, बट नाउ देयर इज एन ओपनिंग, सो आप कल 3 बजे आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ऑलराइट, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। What happened? She's coming? मेरे भाई, मुझे लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब है यार? क्या वो समझा कर दिया? वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। I know. पर जैसा तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो, उसके लिए एक नई जॉब क्रिएट कर दी है, वो एक सेकंड में भांप जाएगी कि क्या चल रहा है। तो ये कि आजकल ये जो हैशटैग सेल्फ मेड लड़कियां है ना, ये तुम जैसे सेठों की मेहरबानियों को एक सेकंड में भांप लेती हैं कि तुम क्यों इतने मेहरबान हो रहे हो, यू सी। और फ्रैंकली मुझे लग रहा है कि वो लड़की यहां आएगी और एक बार फिर तुम्हें डिस्टर्ब करके चली जाएगी। उल्टी बात अज्यूम ना कर, मुझे सिर्फ ये बताइए शी कमिंग? या बस, थैंक यू, यू ओ मी बिग टाइम बाय द 10 लाख मुझसे लिए, 35 लाख मार्केट से लिए, सबके सब फूंक दिए। बाप जानबूझ के तो नहीं किया ना, बस हो गया, ऑफिस भी खत्म करना पड़ेगा। अबे कर दे खत्म, साहब हमें भी कर दे खत्म। अब्बा 2.5 लाख रुपए का फायदा होगा, 10 लाख रुपए लगा दो बिजनेस में। 2.5 हजार रुपए नहीं रखे कभी मेरी हथेली, मेरे 10 लाख के बदले। किसी ने मेरा साथ भी तो नहीं दिया। अबे कैसा साथ, अबे 10 लाख दिए थे और क्या चाहिए था तुझे? अच्छा आप आराम से बात करें, जवान बेटा है। अरे फिर बोली बीच में, अबे शुक्र कर बात कर रहा हूँ, गाड़ा नहीं जमीन में से जिंदा अभी तक। अबे कितनी बार मैंने आपसे कहा था, सलमान से कहा था कि आ जाए साथ दे, मगर नहीं, मैं अकेला क्या क्या करता। अबे झापड़ दूंगा ना उल्टे हाथ का, सब कुछ खुद बर्बाद कर दिया और हमारे सर पे डाल रहे हैं। क्या हुआ है, कुछ हो गया क्या? अरे पूछने से पूछ, घर संभालने निकले थे उसी घर को मिट्टी में मिला दिया, 30-35 लाख रुपए डुबो दिए और हाथ झाड़ के खड़े हो गए, कह रहे हैं फातिहा पढ़ो, अब पढ़ो फातिहा पढ़ो। अच्छा और सुन ले, सुन अच्छी तरह, बाहर का पैसा तू जान, कैसे वापस करता मेरा मसला नहीं है, मुझको मेरे 10 लाख वापस चाहिए, समझा लो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई सबब बनाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं। कैसे कैसे होगा, मैं जिन लोगों से कर्ज लिया उनके पैसे अगर नहीं लौटाए तो? अम्मा नाश्ता। Thank you.
अरे नुदरत। जी अम्मा। अरे क्या कर रही हो भाई तुम? अम्मा सिलेबस में कुछ चेंजिंग है तो उन्हीं के लिए नोट्स बना रही हूँ। अरे दुनिया जहान के बच्चों के मुस्तकबिल संवारती फिर रही हो, अरे कुछ अपनी बेटियों का भी ख्याल है या नहीं है? अम्मा मैं समझी नहीं। क्या कल को ब्याहना नहीं है तुमने अपनी बेटियों को? कुछ जमा जोड़ जत्था रखा हुआ है या खाली हाथ भेजोगी उन्हें ससुराल? अम्मा जो कुछ मेरे पास है सब आपको पता है, और जेवर तो आपके पास ही रखा है। बाकी माहाना अखराजात में से जो मैं पैसे बचाती हूँ वो कुछ कैश है मेरे पास। तो फिर मैं करती हूँ समन और शकील से बात, उनसे कहती हूँ कि तारीख दें और बच्चियों को रुख्सत करा के ले जाएं। लेकिन अम्मा समन तो कह रही थी कि पहले वो रमशा को रुख्सत करेंगी फिर बहुएं ब्याह कर लाएंगी। अरे हाँ कहती तो है वो, पर अल्लाह जाने कब रमशा के नसीब खुलेंगे। वैसे मैं तो ये कह रही थी कि कहो बेटा। जहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी ना वहां से सेकंड इंटरव्यू की मुझे कॉल आ गई है, मुझे कल जाना है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है अम्मा ने सलमान से भी बात कर ली है। ठीक है बेटा जाओ। जी। तुम्हारी ये जो बेटी है सीधे मुंह बात नहीं करती मुझसे। अम्मा आप भी तो इतनी बातें सुनाती हैं उसे, बहस भी आपसे करती है और डरती भी आपसे ही है। खैर मैं कर लूं काम। करो मैं आती हूं अभी। ये हमारी कंपनी पॉलिसीज हैं। यू कैन गो थ्रू देम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। ओके। एंड योर अपॉइंटमेंट लेटर दैट विल बी मेंटेन। ओके। अरे बॉस से तुम यहां, मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में ढूंढ रहा था। मिस मायरा का इंटरव्यू कर रहा था मैं। नहीं बट डियर मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। तुम्हें याद है मैं एक टेंडर फिल करके भेजना था और रोटेशन देनी थी। बहुत जरूरी था यार, टाइम जा रहा है। सॉरी मैं इंटरव्यू कर रहा था। हाँ बट वी हैव टू डू इट नाउ, आप जाएं और करें। ऑलराइट आई विल डू इट। आप फिर कल से ज्वाइन कर लें एंड वेलकम अबोर्ड। थैंक यू। अरे आप कहाँ चल रही हैं? प्लीज बैठिए। ऐसे तो नहीं जा सकती, आपका पहला दिन है, वेलकम कॉफी जरूरी है ऑफिस में। प्लीज बैठिए बैठिए ना जी। तो मुझे ये बताइए आपने अभी तक कहाँ कहाँ काम किया? मैंने इससे पहले कहीं जॉब नहीं की, मेरी फर्स्ट जॉब है। रियली? फिर तो आपको बहुत कुछ सीखना होगा यहाँ पे। बट एवरीबॉडी इज वेरी फ्रेंडली, वो आपको इजीली सिखा देंगे। जी सर। आप मुझे प्लीज सर मत कहिए। एक्चुअली सर से पता क्या लगता है कि जैसे मैं कोई काम नहीं करता। यहाँ सब लोग मुझे आतिर कहते हैं तो आप भी मुझे आतिर कह सकते हैं। जी। आपका घर के यहाँ से बहुत दूर है? आप क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि हम लोग लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट अगर कोई बहुत अच्छा काम करो तो उसको गाड़ी भी मिल जाती है। बस इसीलिए पूछा था। आपको वासे ने एक्सप्लेन नहीं किया? नहीं वासे सर मुझे बता रहे थे डिटेल्स, लेकिन फिर वो आप आ गए। ओह आई एम सॉरी, मैं आ गया तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं हो। नहीं नहीं मैं चलती हूँ, पहला दिन होगा तो फिर खुद ब खुद पता चल जाएगा डिटेल। तो कॉफी? वेलकम कॉफी मैं फर्स्ट डे पी लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। नौकरी भी बहुत अच्छी है और पिक एंड ड्रॉप भी वो देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। बस आइंदा स्कूल के बाद कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, घर आके आराम कीजिएगा।
क्यों भाई, तुम तो मुझे ऐसे कह रही हो जैसे तुम बहुत बड़ी हो गई हो और मैं बहुत बूढ़ी। खैर बूढ़ी तो आप नहीं हुई हैं, थोड़ा अपना ख्याल रखा करें, मेरी और मिशाल की बड़ी बहन लगेंगी। ज्यादा हवाओं में उड़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। अम्मी अम्मी, अरे अरे क्या अम्मी? हुआ अम्मी, आपको पता है अरसलान का फोन आया था, वो बहुत परेशान है। क्या हुआ, क्या है? अम्मी उन्होंने जो बिजनेस शुरू किया था ना, उसमें उनको नुकसान हो गया, वो कह रहे थे उनके ऊपर लाखों का कर्जा चढ़ गया है। अच्छा भाई अच्छा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हर बात पर घबराया मत करो, ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा ना तो सब ठीक होगा, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। क्या होगा? जिस बिजनेस की समझ नहीं थी अरसलान भाई को, उसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। अपनों पर अगर मुश्किल और परेशानी आए ना बेटा, तंस के तीर नहीं बरसाए जाते, उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है, हौसला अफजाई की जाती है, दिलजोई की जाती है, समझी तो? अम्मी जान आप बताइए, आपको तो पता होगा क्या हुआ है। अरे बेटा क्या बताऊं तुम्हें, मेरी बेटी के घर पर तो जैसे एक अजाब टूट पड़ा है, और मुझे तो लगता है कि इन दोनों की रुखसती भी शायद अब साल दो साल के लिए मुलतवी हो जाए। कैसे मांगू